close till I get up. Time is barely on. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो ज़रूर बताना। टाइम 10 बज चुके हैं और सिटी की आवाज़ आ रही है। मैंने दाल चढ़ा दी है। आज मैं जा रही हूँ यही सोसाइटी में, नया ट्यूशन लगाना है उसका, पुराना था वो तो बंद हो गया, तो उसके लिए यही सोसाइटी में ही है। एक लेडीज करवा रही है, बहुत अच्छा करवा रही है, तो मैं वहाँ जाकर पूछ के आती हूँ। और वेद को चाहिए था 15 दिन का ब्रेक, तो 15 दिन तो नहीं हुए पूरे, तो 10 दिन हुए हैं, तो स्कूल चालू हो गए हैं। तो चलो मैंने सोचा कि ट्यूशन भी लगवा दे उसका, तो चलो पहले मैं वहाँ जाके आती हूँ, दाल हो जाए तो उसके बाद गैस बंद करके जाऊँगी। और आज हम शायद बनाएंगे रात को डिनर में मलाई कोफ्ता। दो बार मैंने बनाए, पनीर थोड़ा थोड़ा ही निकल रहा है, थोड़ा है तो मलाई कोफ्ता ही बना लेते हैं, तो वो बनाऊँगी। और चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलो जाके आते हैं, यही है तीसरी चौथी लाइन में। अभी बहुत ही गर्मियों में वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब भी वीडियो बनाना होता है ना, तो भी फ़ैन बंद करना पड़ता है, वीडियो में आवाज़ आती है, तो बहुत मुश्किल हो गया है। और गर्मी भी इतनी लगती है कि बात ही मत पूछो। तो चलो मैं खाना बना लेती हूँ दोपहर का। कौशिक को आज नाइट करके आए हैं, तो फटाफट से बना लेती हूँ। पहले मलाई कोफ्ता बनाने के लिए पहले कोफ्ता बना लेते हैं। इसमें मैंने बॉइल्ड आलू ले लिए हैं, छोटे छोटे दो, और पनीर है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे, आप चाहो तो शुगर भी डाल सकते हैं। चलो इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं। इन दोनों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। चलो इसको एक गोले बना लेते हैं। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हो, ऐसे ऐसे भी दे सकते हो, मैं गोली बना रही हूँ। चलो इस तरीके से हमें बना लेने हैं। आप चाहो तो छोटे बड़े किसी भी साइज में बना सकते हो। चलो मैंने बना लिए है, इसे फ्राई कर लेते हैं। चलो हमारा तेल गर्म हो गया है, तो कोफ्ते को हम फ्राई कर लेते हैं। मैं ऐसे सारे फ्राई कर लूंगी पहले।
चलो सारे कोफ्ते को मैंने फ्राई कर लिया और यहाँ पर मैंने तेल निकाल लिया है थोड़ा सा और घी भी डाल दिया था। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। चलो पहले मैं ये खड़े मसाले डाल देती हूँ। थोड़ा सा जीरा लेंगे, हींग डालेंगे और अदरक और लहसुन का पेस्ट लेंगे। चलो इसे हमें अच्छे से भून लेना है पहले। हल्दी डाल देंगे, नमक लेंगे, चलो हमारा अनियन पिंक कलर का हो गया है तो हम टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। हमें इसे ढककर पकाना है 10 मिनट के लिए। चलो 10 मिनट हो गए हैं, अभी और भी हमें इसे पकाना है। इससे पहले हम इसमें मसाले कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने किचन किंग मसाला और गरम मसाला ले लिया है, वो डालूंगी। कश्मीरी लाल मिर्च 2 टीस्पून और धनिया पाउडर 1 टीस्पून। चलो इसे 5 मिनट तक रखते हैं ढककर पकाने के लिए। मैंने बीच में चेक कर लिया था, हिला लिया था इसको, मसाला ना छिल जाए इसलिए। हमारे मसाले पक चुके हैं तो इसमें हम अब पानी डालेंगे। कोफ्ता है इसलिए थोड़ी पतली ग्रेवी रखेंगे, बाद में ये थिक हो जाएगी, कोफ्ता पानी चूस लेगा सारा। चलो इसे हम फिर से 10 मिनट के लिए रखेंगे ढककर। चलो चेक कर लेते हैं, अच्छे से हमारी ग्रेवी पक गई है। यहाँ पर आप नमक और मसाले एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम कसूरी मेथी भी डालेंगे, क्रश करके डालेंगे। हिला लेंगे, और कोफ्ते भी डाल देंगे। चलो 5 मिनट के लिए रखते हैं इसे। चलो 5 मिनट हो गए हैं, हमारे कोफ्ते बनकर तैयार है। इसे सर्विंग बाउल में ले लेते हैं। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotions.
वेद की सारी बुक्स भी नहीं आई हैं अभी, और इसको मुझे कवर भी करना है, और जो नहीं आई है ना उसका पीडीएफ करके रख लेके आए इनको से बुक्स ने, वहाँ भी देर लगेगी उसको आने में। तो दो दो चैप्टर के सारे सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ करके लेके आए हैं। मैं दोपहर को सो गई थी और सीधा अभी आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उठकर सीधा ही सब्जी बना दी थी, क्योंकि बहुत अंधेरा हो जाता है तो अच्छे से दिख नहीं पाता है रेसिपी। 6 बज चुके हैं अभी और थोड़ा थोड़ा उजाला है, तो चलो मैंने सोचा वीडियो का एंड कर देते हैं। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रा सा भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।